अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1/2 kg मैंने बड़े गोश्त का कीमा लिया। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1/2 tablespoon कबाब पाउडर, 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon गरम मसाला, 1/2 tablespoon सॉल्ट, 1/2 tablespoon जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिलीज का पेस्ट लिया है। तो आइए चलते हैं, इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये सारी स्पाइसेस कीमे में ऐड करनी है। इसको एक दफा आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें, देन इसको आप ग्राइंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसाले हमारे सारे अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो इस साइज़ के मैं बना के सारे रख के फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो कबाब सारे बन गए, तो अब मैं ऑयल गरम होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि ये बड़े गोश्त के हैं तो इनको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहें तो चिकन के भी बना सकते हैं, उसमें ऑयल इतना यूज़ नहीं होता। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। जी वीवर्स, कबाब रेडी हो चुके हैं फ्राई होके, तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ऑयल हमने ले लिया, ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो इसको सिंपल चॉप करके भी डाल सकते हैं। दो बड़े साइज के मैंने प्याज ऐड किए। इसको भी हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। जी अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर लें, तो आप चाहें तो ऐसे भी टमाटर डाल सकते हैं, मैंने दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। साथ में हम इसके अंदर 1/2 tablespoon हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 tablespoon सॉल्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर, 1/2 tablespoon मैंने कबाब मसाला लिया। कबाब में भी मैंने ऐड किया था तो मैं इसको ग्रेवी में भी ऐड कर रही हूँ, और 1/2 tablespoon गरम मसाला। अब इस सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम इस मसाले में दही ऐड करें 4 tablespoon, इसको मिक्स कर लें।
अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। इसके अंदर सारे कबाब ऐड कर देंगे। ट्वेंटी कबाब्स बने थे मेरे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ये हमारी डिश रेडी है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।